शिक्षक मित्रों नमस्कार। आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दरअसल मध्य प्रदेश में बहुत ही बेहतर तरीके से सत्र 2017-18 से लेकर के पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अतिथि शिक्षकों की बहुत ही शानदार व्यवस्था पारदर्शी तरीके से चल रही थी। कोविड-19 पैंडमिक के चलते थोड़ा सा इस व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ सत्र 19-20 और 21-22 में, और इस व्यवधान के चलते हमारे संस्था प्रमुख और अतिथि शिक्षक साथी आदेशों की बारीकियों को समझने और जानने की दिशा में बेचैन रहकर उसको जाने बिना उन्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरा काम यहाँ नहीं हो पा रहा, वहाँ नहीं हो पा रहा। आज का ये अति महत्वपूर्ण वीडियो उन्हीं सभी संस्था प्रमुख एवं अतिथि शिक्षक मित्रों के लिए है जिन्हें अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं उस संबंध में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। पूरा स्पष्टीकरण पैंडेमिक काल में 4 जनवरी 2022 के आदेश में लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट कर दिया। तो आइए हम ये पूरी प्रक्रिया को जानते और समझते हैं। विगत 4 जनवरी 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने अतिथि शिक्षक व्यवस्था विषयक जो भर्ती प्रक्रिया है उस संबंध में आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करते हुए इसके पूर्व प्रसारित विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए सत्र 2021-22 के लिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में रखने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इस संबंध में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्रमुख प्रमुख, वो आपके लिए जानना जरूरी है और मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें आपको 30/6/2021 का जो आदेश है इसके बारे में चर्चा करेंगे, 25/8/21 के आदेश में चर्चा करेंगे और 28 नवंबर 2021 के आदेश में चर्चा करेंगे, और अभी 4 जनवरी 2022 को जो CPI के यहाँ से जो ऑर्डर जारी हुआ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस और नाम्स जारी हुए उस संबंध में चर्चा करेंगे। अब कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता से आपको स्कूल चलाना है, ये आपको पता है अच्छे से। अब इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको यहाँ पर समझना है, वो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए, हाई और हायर सेकेंडरी के लिए किस तरीके से आपको अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करनी है, किन नियमों का पालन करना है, बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से इस आदेश में बताया गया है। आइए हम समझते और जानते हैं, चर्चा करते हैं कि हमें किस तरीके से उन आदेशों को समझना है। इसमें पहला है प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यकता का परीक्षण संदर्भित आदेश 25/8/2021 के अनुक्रम में करते हुए अतिथि शिक्षक आमंत्रण की अनुमति दी जाए। अब यहाँ स्वाभाविक है हमारे संस्था प्रमुख 25/8/2021 के आदेश के अनुक्रम में कैसे पालन करना है इस संबंध में जानना चाहते हैं, तो पहले आइए इसको समझ लेते हैं कि क्या है 25/8/2021 का आदेश। तो मित्रों ये है 2021
वर्ष का अगस्त 25 का आदेश, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में है। इसमें बहुत आराम से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही आपको व्यवस्था करनी है। तो अगर आपके प्राथमिक विद्यालय की हम बात करें, तो अगर नियमित शिक्षक शून्य हैं, तो केवल एक आप यहाँ पर नामांकन को ध्यान रखना है। अगर 20 से कम नामांकन है, तो केवल एक अतिरिक्त शिक्षक को रखना है, और 20 से अधिक में दो को रखना है। इसमें कोई आपको शंका की स्थिति आपके मानस में निर्मित नहीं होनी चाहिए। और अगर ऑलरेडी आपके प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक नियमित रूप से काम कर रहे हैं, तो वहां पर अगर 20 से कम छात्र संख्या है, तो आप अतिरिक्त शिक्षक नहीं रख सकते। 20 से अधिक है, तो आप एक रख सकते हैं। अब अगर हम माध्यमिक विद्यालय की बात करें, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति है कि अगर हम तो शून्य शिक्षकीय स्थिति में हम तीन अतिरिक्त शिक्षक रख सकते हैं। एक अगर शिक्षक कार्यरत हैं, तो दो रख सकते हैं, और अगर दो हैं, तो एक अतिरिक्त शिक्षक रख सकते हैं विषय मान से। अब ये विषय मान की जो विसंगति है, विषय मान से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं, इस संबंध में हमारे सम्माननीय शिक्षक मित्र बहुत ज़्यादा व्यथित और परेशान होते हैं। उनकी क्वेरी आती है माध्यमिक विद्यालय में, तो इसके लिए आपको किस तरीके से इस आदेश के अध्ययन के पश्चात विषय मान से आप किस तरीके से अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था आप कर सकते हैं, उस संबंध में आगे हम चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है 2017 का, जिसका अध्ययन करना आपके लिए वांछित एवं प्रासंगिक है। मैं चलिए चलता हूँ उस आदेश की ओर। ये 26 सितंबर 2017 के इस आदेश में बहुत ही क्लियर एवं स्पष्ट है कि आप माध्यमिक विद्यालय में विषय के अनुसार किस तरीके से आप अपने विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि अगर 105 छात्र हैं आपके विद्यालय में, तो उसमें आपके यहाँ कुल तीन पद होंगे, जिसमें पहला पद गणित का, दूसरा अंग्रेजी का, तीसरा सामाजिक विज्ञान का होगा। 105 के से अगर अधिक छात्र संख्या है, तो फिर आप भाषा का एक चौथा पद वहाँ पर अतिथि शिक्षक रख सकते हैं, संस्कृत, उर्दू, मराठी या गुजराती का। और अगर 141 से अधिक छात्र हैं, तब आप पांचवा जो पद है वो विज्ञान विषय के अतिथि शिक्षक का आप रख सकते हैं। और विज्ञान विषय में भी आपको जीव विज्ञान विषय के अतिथि शिक्षक को अपने यहाँ पर रखना है। और अगर 176 से अधिक है, तो फिर आपको सामाजिक विज्ञान का छठवां पद के रूप में अतिथि शिक्षक को रखने की अनुमति है। साथ ही आगे इस आदेश में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आप किस तरीके से इन पदों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में के तहत आप किस तरीके से कितने बच्चों पर कितने शिक्षक रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बताया गया है इस आदेश में। इसका बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करिए। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे वीडियो के थ्रू बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आदेश को तलाशिए और इसका अध्ययन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, और तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के शैक्षिक उत्थान में अपनी मदद कीजिए। आइए चलते हैं हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो 4 जनवरी 2022 में शिक्षकों के अध्यापन संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ऐसा इस आदेश में बताया गया है। मैं अभी चर्चा करूंगा इस संबंध में। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है
कि नियमित शिक्षकों को कालखंड आवंटित किए जाएं। कितने, आगे चर्चा करूंगा। 6 कालखंड निर्धारित कर दिए गए हैं। 6 कालखंड अलॉट करने के बाद यदि अतिथि शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है तभी आप वहां पर रख पाएंगे, जैसे साफ साफ लिखा हुआ है। और इसमें वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नामांकन 80 से कम, 80 से कम का मतलब हुआ 2 सेक्शन में 6 कालखंड होंगे जिसमें एक शिक्षक द्वारा अध्यापन कराया जावे। आइए पहले अपन 4 जनवरी 2021 के आदेश के संबंध में समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसके बाद में इस कंडिका 2.2 को भली भांति अपन समझने का प्रयास करते हैं और आगे क्या प्रक्रिया अपनानी है उस संबंध में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये है 4 जनवरी 2022 का लोक शिक्षण संचालनालय का एक महत्वपूर्ण आदेश जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं। उन महत्वपूर्ण बातों में से जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके संज्ञान में 24 घंटे रहनी जरूरी है उस पर मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो लेक्चरर हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं अभी वो 11वीं और 12वीं पढ़ाने के लिए ही वो अपने आप को एलिजिबल मानते थे। हमारे इस आदेश के तहत साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से अध्ययन आप करेंगे सभी, कि अगर 1 साल एक परिसर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो साहब आपको 11-12 भर नहीं, आपको 6वीं से लेकर के 12वीं तक में आपको अपने बौद्धिक ज्ञान को साझा करना होगा और वो भी 6 पीरियड। इस चीज को बहुत ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद यदि विद्यालय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता आपको महसूस होती है तभी आप इसे विमर्श पोर्टल पर दर्ज करें। भूलिएगा मत, अभी हम आगे बताएंगे, इसका पूरा परीक्षण होना है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये राह आसान तो कर दी गई है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अतिथि शिक्षकों की जो मांग है, डिमांड है, उसकी स्वीकृति यहाँ से जाएगी। लेकिन उसके लिए भी एक समिति है, उसका परीक्षण करेगी, पूरा सत्यापन करेगी। अगर आप गलत जानकारी आप दे रहे हैं तो इसके लिए दंड के भागी भी आप हो सकते हैं। इन सभी नियमों को भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात ही आप विमर्श पोर्टल पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की मांग को फीड करना सुनिश्चित करने के पहले इनको भलीभांति अध्ययन कर लें, क्योंकि इस बिल्कुल विमर्श पोर्टल और आपका एजुकेशन पोर्टल, ये दोनों के डाटा का पूरा परीक्षण उपरांत, पूरा परीक्षण करने के उपरांत ही आपके विद्यालय को अतिथि शिक्षक आवंटित किए जाएंगे। चलिए आइए पहुंचते हैं अपन 4थी कंडिका पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विमर्श पोर्टल, इसको आप ध्यान से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, विमर्श पोर्टल में आपको दर्ज करना है जो अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया सब सारी चीजें। इसमें से जब आप ये जानकारी दर्ज करेंगे तो इसका परीक्षण किया जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा, और परीक्षण उपरांत ही हम इसे अपडेट कर पाएंगे। और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि विसंगति की स्थिति में, अगर कोई विसंगति मिलती है तो विसंगति की स्थिति में पूरा उत्तरदायित्व तो आप पर फिक्स किया जाएगा।
अब आपने अभी तक जो मैंने आपको बताया कि अभी तक के लेक्चर में जो आदेश निर्देश हैं उनका अध्ययन करने के उपरांत आपने अपनी विद्यालय में अति शिक्षक की आवश्यकता को महसूस करते हुए आपने विमर्श पोर्टल पर उसकी आवश्यकता दर्ज कर दी। अब मैंने अभी अभी बताया कि उसका परीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा और परीक्षण के पश्चात जो है वो उसको अतिथि शिक्षक पोर्टल GFMS पोर्टल पर हमारा ऑफिस उसको अपडेट करेगा। ये सब करने के साथ साथ जो अभी आप 4 जनवरी 2022 के आदेश के संबंध में मुझे द्वारा साझा की गई जानकारी को आप सुन रहे हैं उसमें जो संदर्भित आदेश संदर्भित आदेशों का जो क्रमांक दिया हुआ है उसमें आपको 30 जून 2021 के आदेश को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये भी उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन और ये सब सारी चीज़ें हैं। इसको पढ़ने के पश्चात ही आप आश्वस्त हो करके विमर्श पोर्टल पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। अब अंततोगत्वा आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि विमर्श पोर्टल, अतिथि शिक्षक पोर्टल यानी GFMS पोर्टल कहाँ से कौन क्या करेगा। अंत में इस जानकारी को जो मैं आपसे अब शेयर कर रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझिए। आपका पहला काम है जो मैंने अभी तक जितने आदेशों का हवाला दे करके आपसे चर्चा की उनको ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर सारांश में आपको ये कदम उठाना है। आपको विमर्श पोर्टल पर विद्यालय द्वारा, विद्यालय का मतलब विद्यालय जो प्रमुख है, संस्था प्रमुख है, वो क्या कौन सी कार्यवाही करेंगे, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की जो प्रविष्टि है वो संबंधित विद्यालय के प्राचार्य स्कूल के लॉगिन से करेंगे। स्कूल का लॉगिन हर विद्यालय के संस्था प्रमुख का अपना यूजर नेम और पासवर्ड है विमर्श पोर्टल का, उसमें आप लॉगिन करके आप उसमें जानकारी दर्ज कीजिए। हाँ, नंबर 2, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की जो आवश्यकता है उसकी प्रविष्टि, चूंकि विमर्श पोर्टल पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के सामान्य संस्था प्रमुख को उनका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो उनके जो विद्यालय की आवश्यकता है अतिथि शिक्षक की, वो अपने सामान्य विकास खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO को इन्फॉर्म करेंगे और वो BEO संबंधित प्राप्त जो विद्यालयवार जानकारी है उस जानकारी को अपने लॉगिन से प्रविष्ट करेंगे। किसमें प्रविष्ट करेंगे, विमर्श पोर्टल पर। फिर से मैं इसको रिपीट करूँगा। अच्छा, अब जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार की जो विमर्श पोर्टल का इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिस संबंध में यहाँ पर स्क्रीन में जो लिखा हुआ है मैं आपको समझा रहा हूँ। उसमें पहला जो पॉइंट आपको मिलेगा, अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है कि नहीं, Y/N, मतलब यस या नो है, तो भाई तभी तो आप कर रहे हैं यस। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अतिथि शिक्षक का वर्ग इसकी आवश्यकता है, कौन सा वर्ग है, वर्ग 1 2 3 ये आपको भरना है। भाई जाहिर है कि अगर आपका वर्ग 1 अथवा 2 है तो उसका विषय भी देना जरूरी है, और अगर 3 है तो उसका विषय देना आवश्यक नहीं है। और ये भी बहुत, ये 1.4 जो कंडिका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये है कि जो अतिथि शिक्षक की जानकारी है वो GFMS पोर्टल मतलब गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल में पूर्व से ज्वाइन है कि नहीं है, ये भी आपको देना है। और फिर नवीन आवश्यकता का कारण एवं विवरण भी देना है, जिसे आप देवनागरी लिपि में या अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। आपको ये काम सुनिश्चित करना है।
इसके बाद का काम हो आएगा माननीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। अब वो क्या करेंगे भाई, उनका अपना खुद का यूजर नेम और पासवर्ड है, दोनों में डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का विमर्श में भी है और GFMS में भी है। तो वो विमर्श पोर्टल पर जो आपने रिक्तियां, जो डिमांड आपने फीड की, जो मांग आपने न्यायोचित तरीके से पहुंचाई, उस मांग का परीक्षण करेंगे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय। और उस मांग का परीक्षण करने के पश्चात, जैसा मैंने बताया, उन रिक्तियों को GFMS पोर्टल में वेरीफाई करेंगे, अपडेट करेंगे। इसके बाद ही आपको वो रिक्तियां आपके GFMS पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात दिखेंगी, क्योंकि ये आपको भली भांति पता है और आप परिचित भी हैं कि भैया हम जब तक रिक्तियां नहीं दिखेंगी तब तक हम किसी भी अतिथि शिक्षक को अपने विद्यालय में ज्वाइन नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो पोर्टल के थ्रू ही करनी है। अर्थात आपको अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ही ज्वाइन कराना होगा, क्योंकि इस स्थिति अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कराते तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उनके वेतन को आहरित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में सारी जो आहरण संवितरण की जो स्थितियां हैं वो सब ऑनलाइन है। एजुकेशन पोर्टल के थ्रू उनकी उपस्थिति जाएगी और उस उपस्थिति के थ्रू उनका वेतन आहरित होगा। तो सभी शिक्षक साथियों, अतिथि शिक्षक मित्रों, सभी विद्वान संस्था प्रमुख, ये थी आज के वीडियो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे वाकई आज की तारीख में शेयर करना अति प्रासंगिक था। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और इस प्रदेश के शैक्षिक उत्थान में आप अपनी महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे। चलिए फिर किसी अति महत्वपूर्ण वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।